वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। मैं आपका दीपू सा स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दीपू ब्लॉग्स में। तो दोस्तों आज है संडे एंड निकले एक छोटे से संडे राइड के लिए। साथ में पीछे मेरे है पिलियन में गौरव मेरा भाई एंड मैं बस और इसने प्लान करके निकल गए थोड़ा सा एक शॉर्ट राइड के लिए गैंगटॉक में ही आसपास। तो डिसाइड किया है कि आज मतलब वैसे तो हम यूजुअली इस रूट में राइड करते हैं बहुत बार, आपने व्लॉग में भी देखा होगा, मोटो व्लॉग देखा होगा एंड यहाँ पे आके मैं ब्लॉग करता हूँ क्योंकि यहाँ का जो नेचर है यहाँ पे मज़ा आता है राइड करने में, आके थोड़ी देर बैठने में, चिल आउट करने में, इतना ग्रीनरी है बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे तो राइड करता हूँ लेकिन यहाँ से आज थोड़ी से दूर जाएंगे, जगह का नाम है फैम बंगलो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वहाँ पर जाएंगे हम एंड दिन आज देख ही पा रहे हैं काफ़ी सनी है तो आज कोई डाउट नहीं है कि मतलब जाना है या नहीं जाना है, जाना ही है, जाके देखते हैं चलते हैं जगह में। फैम बंगलो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर तक तो नहीं जाएंगे क्योंकि ट्रैक है, फैम बंगलो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक ट्रैकिंग है जो कि 8-9 किलोमीटर का ट्रैक है, तो ट्रैक तो अभी हम कर पाएंगे नहीं क्योंकि वो अभी रेनी सीजन है, बहुत ज़्यादा स्लाइडिंग मतलब स्लिप पड़ी है तो वहाँ पर अभी ट्रैकिंग हो नहीं पाएगा। तो चलते हैं वैसे ही देखने में, वहाँ का जगह देखते हैं एंड एक्सप्लोर करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा रोड है एक्चुअली, फैम बंगलो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होके ही नॉर्थ सिक्किम का रास्ता है, तो नॉर्थ सिक्किम आप अगर जाएंगे तो आपको फैम बंगलो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रोड में मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं हम सीधे फैम बंगलो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के वहाँ पर एंड देखते हैं वहाँ का नेचर व्यूज़ वगैरह, देखते हैं इंजॉय करते हैं आज का इस राइड को। सो तब तक के लिए आप बने रहे चैनल पे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ ही साथ वो जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको कुछ ही देर आगे, फिलहाल आप जो है सीनरी को गैंगटॉक का एंजॉय कीजिए मेरे इस एक्शन कैम के थ्रू से। सो सी यू इन अ वाइल्ड। तो अभी मेन रोड छोड़ के जो है हम आ चुके हैं नॉर्थ सिक्किम जाने वाले रोड पे एंड इसी रोड से हम पहुंचेंगे टिनटेक, उसके बाद मंगन वगैरह भी यहीं से जाते हैं, सब गाड़ी नॉर्थ सिक्किम के सारे गाड़ियां इसी रोड को लेते हैं एंड इस रोड का मतलब इतना ज़्यादा खूबसूरत है ये रोड, खूबसूरती बहुत है इस रोड में क्योंकि पूरा नैरो है एंड दोनों तरफ से जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। लक अच्छा रहा तो अच्छे अच्छे आप एनिमल भी स्पॉट कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि डियर, हिमालयन ब्लैक बियर हो गया, उसके बाद तरह तरह के पक्षी, रेड पांडा, ये सारे चीज आप रोड में ही देख सकते हैं, अलग से आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। बहुत ही नैरो एंड बहुत ही खूबसूरत वेल मेंटेन्ड रोड है एकदम, बहुत ही मस्त मज़ा आता है। सीनरी का तो क्या बोलूँ, जितना तारीफ करूँ सीनरी का उतना कम है। आज दिन ने भी साथ दिया है, देखिए पा रहे एकदम चटक धूप निकला हुआ है, नीला नीला आसमान है, तो आशा तो यही करेंगे कि शाम तक या 6-7 बजे तक बारिश ना हो, वैसे हमको 2-3 घंटा ही लगेगा यहाँ से बैक आने में। बहुत ही मज़ेदार दिन है यार, बहुत ही ऐसे दिन में ही राइड करने का मज़ा है, एकदम व्यू नीचे का पूरा क्लियर देखता है। जब बारिश होता है तो कहीं पे भी आप रुक जाएंगे तो ये सारे नज़ारे आपको दिखेंगे नहीं क्योंकि फॉग इतना ज़्यादा रहता है, कवर हो जाते हैं पूरा माउंटेन वगैरह। चलिए इस शानदार रोड का व्यू जो है आप इंजॉय कीजिए, गिम्बल लगाता हूँ मैं एंड कुछ सिनेमैटिक शॉट्स आपको ट्राई करता हूँ देने का, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएंगे। Oh, 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 oh
कितना सीनिक ये रास्ता है आपको अभी तक मतलब विजुअल्स देख के पता लग ही गया होगा। एंड जितना सीनिक जगह है उतना ही चलाने में भी मज़ा आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम इन रास्तों का यही है कि आपके सामने अगर एक गाड़ी रहा, जैसे कि अभी खुला है, आपको एक्शन कैम में देखने में बहुत ही क्लियर मस्त लग रहा होगा पूरा व्यू, लेकिन जब आपके सामने में एक गाड़ी रहता है तो उसको ओवरटेक करने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि इतना स्पेस है ही नहीं कि वो आपको साइड दे पाई। पहुँच गए फैम बंगलो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। यहाँ से लेना होगा ऊपर की तरफ, खुला है या नहीं ये भी पता करना होगा। ये तो बंद है गौरव, ये तो बंद है भाई। सेंचुरी क्लोज, क्या लिखा हुआ है, सेंचुरी क्लोज्ड, परमिट इशू 9 AM, परमिट क्लोज 2 PM। लेकिन अफसोस बंद है ये। यहाँ से बहुत ज़्यादा अंदर है एक्चुअली वाइल्ड लाइफ, ये तो सिर्फ एंट्रेंस का गेट है, स्कूटी लेके जाना पड़ेगा बहुत दूर तक, फिर पार्किंग है, इतना पता है मुझे, लेकिन चल के वहाँ तक जाना पॉसिबल होगा नहीं, तो अफसोस यहीं से बैक करना होगा। तो जब किस्मत ही बुरा हो तो क्या कर सकते हैं, अब गेट के सामने यहाँ पे फ़ोटो लेंगे। और नज़ारा तो यहाँ का नेचर बहुत ही अच्छा है, यहाँ के नेचर के बारे में तो क्या बोलूँ, इतना ज़्यादा ग्रीनरी है। सबसे सीनिक तो ज़्यादा ये रोड है, नीचे जो रोड है ये नॉर्थ सिक्किम जाने वाला, यहीं से आगे फिर एक वाटरफॉल भी है, बटरफ्लाई वाटरफॉल, उसके बाद टिनटेक, उसके बाद मंगन, फिर नॉर्थ सिक्किम। देखिए रोड वगैरह देखिए, लेकिन यहाँ पर जाने का मन था, अंदर तक अभी तक नहीं गया हूँ मैं यहाँ पर फैम बंगलो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के। अब जब कभी खुलेगा तब करना पड़ेगा। गौरव क्या कहना चाहोगे, इतना दूर आके भी क्या बोले, पहले तो जू में हम ट्राई किए, जू में भी लॉक था एंड यहाँ पे भी ताला ही लगा हुआ है, वो रहा देखिए चमक रहा है सिल्वर कलर का। अगर सामने रहता तो पैदल चल जाता, लेकिन यहाँ से भी दूर है, काफ़ी दूर है, पार्किंग काफ़ी दूर है, मतलब चल के भी पॉसिबल होगा नहीं। तो चलिए अब क्या किया जाए, कुछ है नहीं, आसपास कहीं पे रुकते हैं, एक अच्छा व्यू पॉइंट में रुकता हूँ मैं, उसके बाद कुछ नज़ारे दिखाता हूँ मैं आपको एंड आशा करूँगा अच्छा लगेगा वो आपको। सो सी यू इन अ व्हाइल। तो निकल रहे हैं यहाँ से, इतना दूर आके कुछ खास कुछ मिला नहीं, सिर्फ रोड का सीनिक व्यू जो है वही बहुत मिला, क्या गौरव, उसके अलावा और कुछ है नहीं। तो चलिए चला जाए वापस अब टासी व्यू पॉइंट में, देखते रुकेंगे थोड़ा सा एंड आज का इस संडे राइड को एंजॉय करते हैं। मेन जगह क्लोज है, फिर भी आप लोगों को घर बैठ के ऐसे सीनरी देख के, मतलब ऐसे पहाड़ों का ग्रीनरी देख के तो मज़ा आता ही होगा, जहाँ तक मुझको फील होता है। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है, इन सारे रोड ऐसे पतले पतले रोड चारों तरफ देखिए बैम्बू है, ग्रीनरी है, अगर ऐसा देख के आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर, ताकि नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसे जगह में हिट कर सकूँ। मतलब आप अगर इंटरेस्ट हो करेंगे तभी हिट करूँगा, वरना नॉर्मली व्लॉग जाते रहेंगे। और वैसे तो ज़्यादातर पहाड़ों में ही रहता हूँ, ग्रीनरी ना दिखाना चाहूँ तो भी दिखेगा आपको, क्योंकि यहाँ चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, तो उसके तो लेके कोई डाउट ही नहीं है। तो चलिए चलते हैं टासी व्यू पॉइंट में एंड मिलता हूँ वहीं पर मैं आपको।
तो फैम बंगलो को पीछे छोड़ के हम आ चुके हैं मेन रोड में, ये जो आगे देख रहे हो वही वाला, एंड ऊपर की तरफ ही चलते हैं टासी व्यू पॉइंट की तरफ। ये आगे मेन रोड पे एंड राइट साइड लेके थोड़ा सा आगे जाएंगे वहाँ से, तो वो है टासी व्यू पॉइंट। दोस्तों आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आशा करते हैं ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एफ सेंचुरी तो बंद था लेकिन ट्राई करेंगे नेक्स्ट टाइम जब भी खुला हो जाके वहाँ पे एक्सप्लोर करने का एंड आपके लिए एक वीडियो बनाने का। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो आपको पता ही है क्या करना है। सबसे पहले दे दीजिए इस वीडियो को एक लाइक, कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ वो जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब जब मैं नई वीडियोस अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो गाइस सी इन द नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन दिस इज दीपू साह साइनिंग ऑफ फ्रॉम दीपू ब्लॉग्स।